हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो अभी सुबह का टाइम है, तो मैं आज ससुराल में हूँ अपने, तो मीनू भी साथ में है और पिकू भी है। तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर हो रहा है स्नोफॉल, तो काफ़ी तेज़ी से स्नोफॉल हो रहा है, तो साथ में बारिश भी है, तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और बुखारी तो जल रही है, बुखारी जलाई हुई है इन्हें सुबह से, तो मैं भी काफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ इस मोमेंट को। काफ़ी कुछ खाने को मिल रहा है इस ठंड में, बड़ा मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कितना स्नोफॉल हो रहा है, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं आपको। तो साथ में बारिश भी है और स्नोफॉल भी हो रहा है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। वाओ, लुक्स सो ब्यूटीफुल। ये देखिए कितना स्नोफॉल हो रहा है, खेत पूरे भर चुके हैं और पेड़ों पे तो अभी बर्फ नहीं है, और सन्नी लकड़ियों का इंतज़ाम कर रहा है, ये देख सकते हो आप, क्योंकि बुखारी कंटिन्यू जलाई हुई है सुबह से, तो सन्नी ले जा रहा है लकड़ियाँ, काट काट के रखी हुई थी इसने। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर, तो मज़ा तो बहुत आ रहा है ठंड में, काफ़ी कुछ खाने को मिल रहा है। ये देखिए स्नोफॉल कितना प्यारा लग रहा है। वाओ, क्या खूबसूरत व्यू है, ये देख सकते हो आप। ये जो पहाड़ी दिख रही है आप लोगों को, इस पहाड़ी के पीछे देवनी माता का मंदिर है, दुर्गा माता का मंदिर है या इस पहाड़ी के पीछे बिल्कुल। तो लास्ट ईयर तो मैं गया हुआ था, बर्फ़ में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ थी वहाँ पर, 4 से 5 फीट, वो वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी। तो लेकिन आज मेरा जाने का इरादा नहीं है वहाँ पर, तो यहीं से मैं आपको स्नोफॉल दिखा रहा हूँ। तो बहुत ही प्यारा लग रहा है स्नोफॉल, ये देखिए बहुत ही अद्भुत खूबसूरत। दोस्तों ये देखिए चिकी अभी रोटी खा रहा है, मक्की की रोटी वो भी, तो काफ़ी अच्छी लगती है इसे। तो बर्फ़ में खेल रहा था अभी तक ये, ये देखिए ठंड भी नहीं लगती इनको। और एक यहाँ पर भी छुटकुराम, ये देखिए ये आप दोनों खेलेंगे, तो ये काफ़ी तेज़ है, ये देखिए क्या उछल रहा है। नो नो नो, डोंट डू दिस बडी। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर कितनी सारी बर्फ है, तो मैं भी बर्फ पे चल रहा हूँ, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है, कर कर की आवाज़ आ रही है, तो मैं थोड़ा बर्फ में जाता हूँ। ओ वाओ, ये देख सकते हो पूरे शूज़ डूब रहे हैं इसमें, तो बर्फ़ भी जा रही है शूज़ में, तो कितना मज़ा आ रहा है, कितना प्यारा मौसम है यहाँ का, बहुत ही अच्छा लग रहा है, स्नोफॉल हो रहा है। तो दोस्तों अभी मेरा मन कर रहा है कि इसमें खेलूं, बस कूदूं, लेकिन इतना खेल कूद नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मेरे हेड में इंजरी हुई है, पता तो है आपको, बस 1 मंथ हुआ है अभी, तो ज़्यादा मैं खेल नहीं पाऊँगा। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा इंजॉय करूँ, तो चलिए आपको भी दिखाते हैं थोड़ा इंजॉय करके। वाओ, कितना अच्छा आ रहा है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है, कितना प्यारा व्यू आ रहा है, देख सकते हो आप, बहुत ही सुंदर। ठंडा है, दोस्तों ये देखिए पम्पकिन, तो पम्पकिन अब काटा जा रहा है, अब इसको हम बड़े से पतीले में डालेंगे और उसमें पानी भी डालेंगे, तो फिर इसको बॉईल करने रख लेंगे लगभग 1 से 2 घंटे तक, तो फिर 1 घंटा भी काफ़ी। और साथ में उस पानी में हमको चीनी डालनी पड़ेगी, चीनी या गुड़ हो गया, तो काफ़ी स्वादिष्ट होता है ये। तो ये देखिए अब काट के इसमें डालेंगे, बहुत ही टेस्टी होता है दोस्तों, आपने भी खाया है तकरीबन, सब लोगों ने खाया होगा। तो ये ज़्यादातर ठंड में खाया जाता है क्योंकि गर्म होता है ये। तो अब हम भी इसको पहले पकाने डाल देंगे,
तो फिर जब ये पक जाएगा तो फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको भी, टेस्ट करवाते हैं इस चीज़ का। तो ठीक है दोस्तों, वाओ लुक्स यम्मी। तो दोस्तों ये देखिए, आप थोड़ा साफ कर रहे हैं पानी से, बिल्कुल अच्छे से साफ करेंगे इनको, बाहर से भी जो आउटर कवरिंग है उसको भी धो लेंगे और अंदर से भी, जो ये देख सकते हो आप, इसमें जो बीज बचा हुआ है इसको निकाल देंगे। तो ये देखिए अब वॉशिंग हो रही है, तो अब कुकर में डालेंगे। तो कुकर में पानी वानी थोड़ा सा डाल के, तो सीटी वगैरह जितनी, कोई कम से कम 8-10 सीटियाँ लगेंगी, फिर उसके बाद उतार देंगे इसको। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, बाहर तो बर्फ़ पड़ रही है और मैं बैठा हुआ रूम में बड़े आराम से कंबल के अंदर। तो मेरे लिए एक प्यारी सी चीज़ आ चुकी है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, ये देखिए, और टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। इसको चम्मच से ऐसे करके काटते हैं। वाओ, सो यम्मी। इसमें थोड़ी चीनी भी मिलाई हुई है स्वाद अनुसार, तो काफी स्वादिष्ट है ये। वाओ, तो दोस्तों मैं अब इसको जल्द से जल्द खाना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर टेस्टी नहीं होता, फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में, वो टेस्ट नहीं रहेगा। इसलिए मैं अभी, थोड़ा गर्म है ये, तो मैं इसको जल्द से जल्द ख़त्म करना चाहूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो अभी हम जा रहे हैं शॉप पे, क्योंकि आसपास तो बर्फ़ पड़ी हुई है, तो शॉप से ले आते हैं कुछ मैगी वगैरह, कुछ लाइट सा जो जल्दी बने वो खाते हैं, कुछ बिस्किट्स वगैरह ले आएंगे। बाकी ज़्यादा कुछ तो यहाँ पर मिलता नहीं है, और पहाड़ों पर तो आपको पता ही है। तो अब हम जा रहे हैं शॉप पे, तो ठंड भी काफ़ी ज़्यादा लग रही है। ये देखिए तब तक नज़ारे, वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है फॉग। दोस्तों ये देखिए बर्फ़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पर, थोड़ा इस पर चलना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि स्लिपरी है काफ़ी ज़्यादा। तो मैं बड़े धीमी रफ्तार से चल रहा हूँ, बड़े प्यार से चल रहा हूँ। ये देखिए कितना स्नोफॉल हुआ है, तो अभी और होना है, सुबह तक यहाँ पर स्नोफॉल दिखाया है, तो अभी भी छोटे छोटे स्नोफॉल के कतरे पड़ रहे हैं। तो सन्नी आगे आगे जा रहा है, तो मैं बस इसके साथ में आराम से चल रहा हूँ। चलिए दोस्तों जाते हैं शॉप पे। बिस्किट भी चलिए ना, मैगी शैगी देगी दूध चोर की। तो दोस्तों बारिश भी हो रही है, तो मैं वापस जा रहा हूँ अभी। तो मिकल भाई की शॉप पे बस थोड़ा सा सामान मिला है, कुछ मैगीज मिली हैं और दूध के पैकेट 2-3 हैं, और उसके बाद बिस्किट्स हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ वापस, मौसम भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है यहाँ पर और बारिश हो रही है अभी, पहले तो बर्फ़ पड़ रही थी अभी बारिश हो रही। तो मैं जल्द से जल्द घर जा रहा हूँ, तो वहाँ पर जाके बनाते हैं ये चीज़ें और करते हैं टेस्ट कि कैसा रहता है पहाड़ों पे ये चीज़ें खाना।
तो दोस्तों अब रात काफ़ी हो चुकी है, तो बाहर काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो मैं अब बैठा हुआ हूँ कंबल में और बुखारी भी चल रही है, तो बस खाना खाने का भी टाइम हो चुका है। तो मैंने आज काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वीडियो शूट की हुई हैं और तो आपको इस ब्लॉग में वो वीडियो ऐड कर दूंगा मैं, तो आप देखना, तो ये मोमेंट इन्जॉय करना और मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। तो अब खाना वाना खाते हैं। तो दोस्तों जो भी चैनल पे नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ब्लॉग का एंड करने का टाइम आ चुका है, तो होप आपको ये वीडियो पसंद आएंगी। तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय, टेक केयर।